विश्वव्यापी कोरोना वायरस के महामारी को लेकर देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में छोटे बड़े व्यवसायी उठाने लगे हैं। सिवान ही नहीं, हर जिले में मनमानी दर पर सब्जी राशन बिक रहे हैं। जनता करे तो क्या करे, ऐसा ही मामला सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के तितरा और थेपा बाजार में शुक्रवार को शाम हुआ। मनमाने दाम पर सब्जी बिक रहा था, जब स्थानीय ग्रामीण श्री नारद मीडिया के प्रतिनिधि के पास फोन कर इसकी सूचना दी और जैसे ही संवाददाता बाजार पहुंचा, कैमरा देख सभी अपना दाम कम कर लिए। जो आलू 30 से 35 रुपये बिक रहा था वो 25 से 26 रुपये बिकने लगा। टमाटर, हरा मिर्च, बैंगन, प्याज सभी के दाम घट गए और फिर क्या, जनता घटे दाम पर खरीदारी करने लगी। आपको बताते चलें कि जीरादेई प्रशासन हमेशा अपने क्षेत्र के बाज़ारों में घूम घूम कर लोगों को सही रेट पर सामान बिक्री करने का आदेश निर्गत कर रहा है, आह्वान कर रहा है, इसके बावजूद भी दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। जीरादेई से मनीष तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कल लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और लोगों को ज़्यादातर घर में रहने की सलाह दी जा रही है, और यहाँ से हमको अभी शिकायत मिली थी कि यहाँ पे सब्जियों का दाम बढ़ा करके लिया जा रहा है, जैसे कि कालाबाजारी की सूचना मिल रही है। आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या है सब्जियों का रेट। बाबा, आलू क्या रेट मिल रहा है अभी? हाँ, और प्याज क्या रेट मिल रहा है? 35 रुपया। और गोभी 15 रुपया किलो। भैया टमाटर क्या रेट मिल रहा है अभी? 15 का आधा केजी। और आलू 24। और बैंगन क्या रेट है? बैंगन 25। अच्छा, अभी अभी जानकारी लग रही थी कि तितरा बाजार में जो सब्जियों का रेट है बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? सब्जियों का रेट ज्यादा लिया जा रहा है कि डेली जो रेट चलता था वही चल रहा है अभी? कुछ नहीं कहेंगे आप? क्या सर, रेट मतलब आप लोग बढ़ा के ले रहे हैं? हम लोग बढ़ा कर नहीं ले रहे हैं, जो रेट है वही चल रहा है। ले रहे हैं। टमाटर क्या रेट मिल रहा है अभी? 30 रुपया। 30 रुपया किलो मिल रहा है। और बैंगन? बैंगन 20 रुपया। आलू क्या रेट है? आलू 22 रुपया। 22 रुपया है। और धनिया? धनिया तो 5 रुपये का 100 ग्राम। 5 रुपये का 100 ग्राम, ठीक है। आलू, आलू क्या रेट मिला आपको? आलू 24 रुपया मिला है। और क्या खरीदे हैं? प्याज क्या रेट मिला है? 35 रुपया मिला। रेट पहले इतना ही था कि अभी बढ़ा हुआ? अभी बढ़ा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया और मैं हूं मनीष तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल तक लॉकडाउन पूरे देश में किया गया है और कहीं ना कहीं से हमको कालाबाजारी की घटना देखने को मिल रही है। आइए, आज हम उपस्थित हैं ठेपहा बाजार में और जानते हैं कि यहाँ पे सब्जी का क्या रेट चल रहा है। क्या रेट है आपके यहाँ? हेलो, आलू क्या रेट बेच रहे हैं? 30 रुपया। 20 रुपया। और टमाटर? 30 रुपया। और मिर्चा? एक किलो का भाई, मिर्चा भी कितना है? 40 रुपया। और प्याज? प्याज 40। क्या रेट चल रहा है अभी? 28 रुपया। 28 रुपया। और प्याज? 40 रुपया। 40 रुपया। और मिर्चा? 15 रुपये का 250। 15 रुपये का 250। और टमाटर? टमाटर 40। 40 का। और परवल? परवल 80 रुपया। और भिंडी? 50। 25 रुपया किलो। और प्याज? 35 रुपया। और टमाटर? टमाटर 30 रुपया। और मिर्चा? 10 रुपये का 250। 28 रुपया। प्याज 40। और बैंगन क्या रेट दिए? 30। और मिर्चा? 10 का पाव। और टमाटर कैसे है? 40। 40 रुपये। आप क्या खरीदे हैं अभी? आलू, धनिया, टमाटर। आलू क्या रेट मिला आपको? 30 रुपया। 30 रुपया। और टमाटर? 15 30 रुपया। टमाटर भी 30 रुपये किलो। और धनिया कैसे मिला आपको? 5 रुपये का। पहले यही रेट था कि अभी रेट बढ़ा हुआ? बढ़ा है रेट। किस किस चीज़ का रेट बढ़ा हुआ? अभी बढ़ा है। और टमाटर का बढ़ा हुआ? आलू और टमाटर का रेट बढ़ा हुआ है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं
भाई सरकार जब रोक लगाई है तो इसका तो पाबंदी करे। अच्छा अभी महंगा हो गया। और बैगन? बैगन तो 25 रुपये 20 रुपये किलो। अच्छा और आलू? आलू तो 25 रुपये 20 रुपये किलो और 22 रुपये है 30 रुपये है। अच्छा आप क्या बेच रहे, कितना का बेच रहे हैं आप, किस रेट से बेच रहे हैं? 25 रुपये बेच रहे हैं भैया, आदमी दे रहे हैं 200 रुपये 300 रुपये दे रहे हैं।